किसान ही हैं जिनके जरिए देश की जनता को खाने के लिए अन्न मिलता है, और आज वही किसान हैं जो अपने हकों के लिए सड़कों पे उतर आए हैं और सरकार द्वारा लाए अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए तो जब फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी के आंकड़े आए तो देश का जीडीपी -23.9% जा पहुंची थी, पर इतनी बड़ी गिरावट में भी एक ही सेक्टर था जिसमें ग्रोथ दिख रही थी, वह था फार्मिंग सेक्टर। कई महीनों से किसान सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। देश में अनलॉक के बाद जब संसद बैठी तब सरकार किसानों के लिए 3 अध्यादेश लेकर आई और जल्दी से इन 3 बिलों को दोनों सदनों से पास भी करवा लिया, जिस पर देश में किसानों द्वारा बड़ा विरोध देखने को मिला। इसके अलावा पंजाब के किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए थे। इसके बाद किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के तहत दिल्ली जाकर सरकार को घेरने की तैयारी की। तब हरियाणा ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश भी की। किसानों को रोकने के लिए उन पर पानी की बछारों का भी इस्तेमाल हुआ और आंसू गैस के गोले भी तागे गए। फिर भी किसान डटे रहे और आगे बढ़ते रहे। किसानों ने हिम्मत कर रास्ते में आने वाले बाधाओं को मिलकर हटाया और दिल्ली की ओर चल पड़े। एनडीटीवी के पत्रकारों ने किसानों से कुछ बातें की, आप ये वीडियो देखिए। इतो सानू बोलते भी तुसी इतो अगर किसी होर ग्राउंड में चल जाओ, क्योंकि ताकि जी सड़क खुल जाए। अही तो सड़क रोड जा दिल्ली जाम करने वास्ते आए हाँ, असी किसी ग्राउंड च बहन वास्ते नहीं आए। जे अं ग्राउंड च बहना तो अं पंजाब च बैठे रहेंगे। अं इतने इन्हों विखाउण वास्ते आए हाँ, दिल्ली सारी यही जाम की थी। आप उस ग्राउंड में जाने के लिए आप अग्री नहीं कर रहे? नहीं, अभी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं जाएगा जी। आप कहाँ जाना चाहिए? जंतर मंतर जाना चाहते हैं? आप नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे, जितने खड़े इधर ही रहेंगे। हाँ, हम नहीं जाएंगे। तो हमने तो डेरा यहीं डाल लिया, बस हम तो अब यहीं रहेंगे। आपकी क्या मांगे? ये 3 कानून सरकार लेकर आई है, इसको रद्द किए जाए। ये कानून सरकार किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये कारपोरेट अदारों को खेती में प्रवेश करवाते हैं, जिससे छोटा किसान जो है खत्म हो जाएगा। ये हम अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे हक के, हमारे जो फसलें हैं, हमारा जो कारोबार है, उस पर वो खत्म कर देंगे ये कानून। इसलिए हमारी मांगे हैं कि इन सभी कानूनों को रद्द किया जाए और किसान को जो है स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार रेट दिया जाए, और इसके साथ साथ जो MSP है उसको सारे देश में लागू किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ 6% किसान उसका फायदा उठा पाते हैं, बाकी उसका फायदा नहीं उठा पाते। हम के आर्डिनेंस को लेकर उन्होंने 3 काले कानून बना दिए। ये कानून है, पहले तो है प्रोड्यूसर, ये किसान के विरोध में। दूसरा है खपतकार, जो तुम ते हम मैं खाने वाले हैं। तीसरा है ये इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी अबानी। ये तीनों के लिए कानून बनाए। पहले तो मोदी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हम MSP खत्म नहीं करेंगे और खुली मंडी रखेंगे। MSP तो पहले ही है, वो तो खत्म हो ही नहीं। ओपन मार्केट तो पहले ही है, किसान कहीं भी बेच सकता है, ये झूठ बोल रहा है। इलेक्शन से पहले मोदी जी किसानों के हित में बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते थे। किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, कर्ज भी सरकार देगी और किसानों को सुरक्षा आदि। आप सुनिए ये वीडियो। हमारे किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आए, हमारे किसान को कर्ज लेना ना पड़े, साहूकार के घर जाना ना पड़े। क्या सरकार की बैंक की जिम्मेवारी नहीं है कि किसान को कर्ज दे, कम से कम ब्याज से कर्ज दे? और किसान ऐसा है, पाई पाई लौटा देता है। उसको आर्थिक ताकत दे, वो साहस करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है। और अगर गांव में किसान की जिंदगी बदलती है तो अकेले किसान की नहीं बदलती है, खेत में काम कितने लोगों को रोजगार मिलता है। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब मोदी जी कहाँ हैं? वे किसानों को लेकर अब इतने सक्रिय क्यों नहीं हैं, जो किसानों की चिंता करते हैं? अभिसार शर्मा ने अपने शो में दिल्ली पुलिस के किसानों को लेकर कार्रवाई और दिल्ली सरकार की भूमिका पर कुछ जानकारी के तहत इस मुद्दे पर बात की और कुछ अहम जानकारी भी बताई। बुराड़ी के नजदीक निरंकारी ग्राउंड में दिल्ली पुलिस ने किसानों को बैठने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि आंदोलनकारी किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपकी स्क्रीन पर एक खबर, क्या आप जानते हैं, अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से यह अनुमति मांगी थी कि दिल्ली के 9 स्टेडियम्स को जेल में बदला जाए। वो किसान जो सिर्फ संवाद चाहते हैं,
वो किसान जो सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं उन्हें जेल में ठूसने का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस ने बना लिया था। निरंकारी ग्राउंड में इस तरह से किसान जब इकट्ठा होंगे तो सरकार पर इस तरह का कैसा दबाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2013 में लोगों का वोट हासिल कर रहे थे, खासकर किसानों का, तब उन्होंने ये कहा था कि बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये बैनर याद है ना आपको। मगर मैं आपको बतलाता हूं कि आज किसान का हौसला किस कदर बुलंद है, वो किसान जिसे बदनाम किया जा रहा है। कोई भी प्रोटेस्ट मीडिया के बिना अधूरा ही रह जाता है, पर वही मीडिया अगर इस प्रोटेस्ट के मुद्दे को नफरत में बदलने की कोशिश में लग जाए तो ऐसे ही कुछ हमारे गोदी मीडिया द्वारा करने की कोशिश की गई। जो किसान आज सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वह सिर्फ सरकार द्वारा लाए अध्यादेशों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में गोदी मीडिया इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में खालिस्तान का एंगल बीच में ले आई। अगर मुस्लिम प्रोटेस्ट करें तो पाकिस्तान, और अगर प्रोटेस्ट पंजाब की तरफ से हो तो खालिस्तान एंगल। जी न्यूज पर सुधीर ने किसानों के प्रोटेस्ट में खालिस्तान एंगल खोज लिया और इस पर बात की। आज की सबसे बड़ी खबर है किसानों का आंदोलन, और हजारों किसान इस समय देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं एक आंदोलन के तहत, और वो भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं, और उससे ये लगता है कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं, और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। इसे ही TV9 ने अपने शो में भी दिखाया, इस प्रोटेस्ट को खालिस्तान से जोड़ दिया। लेकिन खालिस्तान के निशाने पर अन्नदाता क्यों है, यानी किसानों को क्यों निशाने पर ले लिया, और किसानों की आड़ में क्या अपनी बात को आगे रखना और प्रमुखता से उसे सामने लाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी बात है। क्योंकि इस आंदोलन के दौरान ही अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गेट पर जाकर खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा, ये धमकी दी गई है। पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तान ने क्या मोहरा बनाया है, खालिस्तान आंदोलन की तरफ से क्या मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है पंजाब और हरियाणा के किसानों को, क्योंकि उन्हीं के आंदोलन की आड़ ली जा रही है इस मुद्दे को एक बार फिर हवा देने के लिए। गोदी मीडिया ने किसानों के प्रोटेस्ट के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की, पर किसान डटे रहे। क्या अध्यादेश लाने से किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, क्या इन कानूनों से किसान को सही दाम मिल जाएगा, इस पर चर्चा रवीश कुमार ने अपने शो में की, और भारत के किसानों की तुलना अमेरिका के किसानों से की। अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है, वहां पिछले 120 साल में खेती से बड़ी संख्या में लोग हटा दिए गए, लेकिन अब ज्यादा जमीन पर कम से कम लोग खेती करते हैं, तब भी किसानों की आमदनी की हालत वहां खराब है। खुले बाजार में उनकी कमाई क्यों नहीं हो रही है, इसी खेल को समझना है। सन 1900 में अमेरिका में 40% आबादी खेती से जुड़ी थी, और सन 2000 तक अमेरिका में खेती पर मात्र 1.9% आबादी ही निर्भर रही। खेत से बाजार तक का विशाल नेटवर्क भी बना, फिर भी किसानों को दाम नहीं मिला। भारत में क्या हुआ इसे भी बताता हूं। 1947 में GDP में खेती का योगदान 54% था और 70% आबादी खेती पर निर्भर थी। 2019-20 में भारत की GDP में खेती का योगदान 17% था। मकसद यही है कि कम से कम लोग खेती पर निर्भर हों, ताकि वे सस्ते लेबर के रूप में शहरों में जाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस मुद्दे पर सियासत भी जारी है, पर हम नेताओं की सियासत पर आज बात नहीं करना चाहते। आज बात सिर्फ किसान की ही करनी थी। अगर इस प्रदर्शन में राजनीति आ जाए तो माहौल राजनीतिक हो जाता है। किसान का यही प्रोटेस्ट उनके नाम पर हुई राजनीति के खिलाफ ही तो है। देखते हैं ये प्रोटेस्ट कितना असरदार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।